अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्टूडेंट कुकिंग। स्टूडेंट कुकिंग में आज हम बना रहे हैं बेसन का ढोकला। तो आइए सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन कर लीजिए। मैंने 2.5 कप बेसन लिया है, 2 अदरक हरी मिर्चें इसे मैंने मोटा मोटा सा कूट लिया है, क्रश कर लिए हैं। 1 टेबल स्पून अदरक भी मोटा मोटा कूट लिया है। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर है। 1 टेबल स्पून चीनी है बारीक पिसे हुए। 2 टेबल स्पून लेमन जूस है। 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल है। 1 टीस्पून सॉल्ट है और 1 टीस्पून बेकिंग सोडा है। 2 कप पानी लिया है। हसबे ज़रूरत पानी डालकर हम बैटर तैयार करेंगे। तो आइए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ नियाज़ की पूरी में स्टार्ट करते हैं। बेसन में मैं एक ही करके तमाम इंग्रेडिएंट्स डालती जाऊँगी, मिक्स करेंगे और बैटर तैयार करेंगे। सबसे पहले मैं इसमें चीनी डाल रही हूँ बारीक पिसी हुई, कुकिंग ऑयल, लेमन जूस, हल्दी पाउडर, सॉल्ट, कुटी हुई हरी मिर्चें, कुटी हुई हरी मिर्चें मैंने डाल दी हैं। इसके साथ ही मैं इसमें अदरक भी डाल दूंगी। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी करके मैं डालती जाऊंगी और बैटर तैयार कर लेंगे। बेकिंग सोडा मैंने अभी नहीं डाला है, लास्ट में डालूंगी। बेसन में तमाम इंग्रेडिएंट्स डाल के मैंने अच्छे से फेंट लिए हैं। तमाम लम्स और गुठलियाँ ख़त्म हो गई हैं। आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं। ये सब मैं इसे कवर करके 15 से 20 मिनट के लिए रख दूँगी। बीस मिनट हो गए हैं। बेसन में मैंने तमाम इंग्रेडिएंट्स डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया था और 20 मिनट के लिए रख दिया था ताकि अच्छे से सेट हो जाए। अब इसके अंदर मैं बेकिंग सोडा मिलाऊंगी, इसको मिक्स करेंगे। बेकिंग सोडा मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसे टिन में शिफ्ट करूंगी। मैंने स्क्वायर टिन लिया है, तकरीबन 7 इंच का है। इसे मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, इसको हल्के से बिल्कुल अच्छी तरह से ऑयल को ब्रश कर लेंगे पूरे टिन में। इसे लगा के और फिर मैं इसमें बैटर डाल दूँगी। टिन मैंने ऑयल से ब्रश कर लिया है। अब इसके अंदर मैं तमाम बैटर डाल दूँगी। बैटर बिल्कुल इसी तरह बनाना है जिस तरह हम केक वगैरह का बनाते हैं। टिन में मैंने बैटर डाल लिया है। अब इसको हम बेक होने रख देंगे। बड़ी पतीली में मैंने पानी गर्म होने रख दिया था, साथ ही इसके ऊपर एक स्टैंड रख दिया है। पानी गर्म हो चुका है, इसके ऊपर अब मैं टिन रख दूंगी। टिन मैंने रख दिया, अब इसको मैं कवर कर रही हूँ तकरीबन 30-35 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पर। और जब ये बेक हो जाएगा उसके बाद हम इसका तड़का तैयार करेंगे। थर्टी फाइव मिनट हो गए हैं, अब हम ढोकला चेक कर लेते हैं। स्टोव मैंने बंद कर दिया है। स्टिक डाल के चेक करती हूँ मैं सर, बिल्कुल क्लियर आई है। इसका मतलब ये बेक हो चुका है। सब मैं इसे निकाल लूँगी और तड़का तैयार करती हूँ। ढोकला बेक हो गया है, मैंने निकाल लिया है। इसको साइड पे रख दिया है ताकि ये ठंडा हो जाए, उसके बाद हम इसे टिन से निकालेंगे और तड़का तैयार करेंगे। तड़का बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें रिक्वायर्ड है वो नोट डाउन कर लीजिए। मैंने 2 टेबल स्पून लेमन जूस लिया है, 6-7 टेबल स्पून वाटर है, 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल है, 1/2 टेबल स्पून शुगर है बारीक पिसी हुई, 2 अदरक हरी मिर्चें ने लंबाई में काट ली हैं, 15 से 20 अदरक कड़ी पत्ते हैं, 1 टेबल स्पून राई दाना है, मस्टर्ड सीड्स भी कहते हैं, और 1/4 टीस्पून हींग है, 1/4 टीस्पून सॉल्ट है।
तो आइए सबसे पहले तड़का तैयार कर लेते हैं, फिर इसे टिन से निकालेंगे। पैन गरम होने रख दिया था मैंने, इससे पहले मैं इसमें ऑयल डालूंगी और हल्का सा गरम कर लूंगी। ऑयल गरम हो गया है, इसमें मैं हींग, सॉल्ट और मस्टर्ड सीड डाल लेंगे। एक से दो सेकंड इसे फ्राई करूंगी। साथ ही इसमें मैं कड़ी पत्ते डाल लेंगे। शुगर और ग्रीन चिली को मैंने लंबाई में काटी थी, डाल के इसे भी फ्राई कर लेंगे। और ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, एक दो सेकंड में फ्राई करूँगी। अच्छी खुशबू आनी शुरू हो गई है, अब इसमें लेमन जूस डाल लेंगे। लेमन जूस मैंने डाल दिया, इसे मिक्स करेंगे। साथ ही मैं इसमें पानी भी शामिल कर सकती हूँ। पानी डाल के मैंने एक से दो सेकंड इसे पकाया है, मैं इसका कार रेडी हो चुका है, मैं स्टोव बंद कर रही हूँ। तड़का तैयार हो गया है, अब हम टिन में से ढोकला निकाल लेंगे। इस तरह से नाइफ से पहले मैं एजेस निकालूंगी। प्लेट में मैंने निकाल लिया, अब इसके पीसेस कट करेंगे। पीसेस काट लिए मैंने, इसके ऊपर मैं तड़का डाल दूंगी। स्टूडेंट कुकिंग में आज हमने बेसन का ढोकला बनाया है, साथ ही मैंने इसकी चटनी बनाई है। चटनी मैं अपनी प्रीवियस रेसिपी में बना चुकी हूँ, उसका लिंक मैं दे दूँगी, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट और स्पंजी बना है ढोकला। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। स्टूडेंट कुकिंग को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट सेशन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।